ऑल राइट पीपल्स, टुडे वी आर गोइंग टू शूट अ व्लॉग ऑफ चारमीनार। तो आज जो है ना 5:30 हो रहे सुबह की, तो आगे अर्ली मॉर्निंग। लेट्स सी, मतलब दिन का पूरा ऑब्जर्व करेंगे अपन चारमीनार पे कैसा रहता है बोल के। अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, 5:30 हो रहे, तो अजा होने वाली है। अभी सिर्फ 2 मिनट में अजा होने वाली है। लेट्स सी, इसके बाद का कवर अप करते हैं। And look at the beautiful view of Makkah Masjid at the time of Fajr. स्टार्ट करते हैं पूरा व्लॉग, आज का पूरा दिन का व्लॉग देखेंगे अपन। मॉर्निंग व्यू तो ये है और इवनिंग कैसा रहता, आफ्टरनून कैसा रहता, पूरा व्यू देखेंगे एंड अराउंड पूरे चारों साइड से भी देखेंगे। ओके, ये जो है ना अपना चारमीनार हॉस्पिटल है और इधर साइड चारमीनार के खुद, इसलिए चारमीनार हॉस्पिटल। और मेरे लेफ्ट साइड में पूरा आपको जो है ना भीमराव होटल है, जो वेरी फेमस है। आई शो यू दैट। ये हमारे एरिया का जेट प्लेन है, ऑटो वालों को हम लोग जेट प्लेन बोलते हैं, तो है ना। कई को बोलते लगा जैसा बोले ऐसा आसमान में उड़ाए, जैसा रोड़ों पर उड़ाते रहते जेट प्लेन्स है। सो लेट्स गो बड़ी चारमीनार, आ जाओ चारमीनार की सैर करते हैं मज़े में। ये है हमारे रहमान भाई, रहमान भाई से हाय, पीछे से नहीं सामने से हाय, देख के आओ कथे। सो टुडे वी आर शूटिंग अ व्लॉग ऑन चारमीनार, मतलब चारमीनार की सैर कराने वाले हैं हम लोग आज आप सब। ये अपोजिट व्यू फिर से, कैन यू सी द पब्लिक भाई, आखिरी पब्लिक है। जब मॉर्निंग आया था मैं तो कुछ भी पब्लिक नहीं थी। कितने रहमान भाई, तो ऊपर चारमीनार पे चढ़ के जो है ना नीचे का पूरा ये व्यू बताने वाला हूँ मैं आप लोग को। राइट, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, आज का पूरा व्लॉग जो है ना हैदराबादी लैंग्वेज में शूट होने वाला है। तो एक छोटी सी बात ये जान लो कि वी आर हैदराबादीज, तो हम लोग ऐसी बोलते यस टू हाउ नो टू नको वाई को कई, तो ऐसे वर्ड्स बहुत सारा यूज़ करने वाला हूँ मैं, इसलिए पहले ही बोल दे रहा हूँ। तो आ जाओ पहले, चलो जल्दी अपन चारमीनार पर चढ़ते हैं रहमान भाई के साथ। I don't know चारमीनार पे ऊपर कैमरा अलाउ है कि नहीं कि, but still we'll try। आ जाओ, बहुत ज़्यादा पब्लिक है आज, I don't know इतनी लाइन सफ़र करना है। देख रहे हैं आप पहले यहाँ से फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड राउंड, ऐसा 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 लाइक मूवी देखने जा रहा हूँ जैसा दिख रहा है मेरे को। नहीं मैं आ जाओ, और सबसे भयानक चीज़ क्या है मालूम, सोचते नहीं मेरे को ऐसा घूर रहे लाइक आई एम एलियन। बहुत ज़्यादा पब्लिक है यार, पहला दर्द हो रहे हैं। और अगर आप लोग फॉरेनर्स हैं मतलब इंडियंस नहीं है, तो आप लोग को जो है ना अपना दो सौ रुपये लेते हैं। यहाँ पर भी लाइन है, वहाँ पर भी लाइन थी, हर जगह लाइन है। मस्जिद के सहन मतलब चार मीनार के सहन में जो है ना आपको एक दरबार शरीफ मिलेगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं दरबार शरीफ। और यहाँ पे लाइक
आउटसाइड जो है ना पब्लिक प्लेस लाइक वी कैन सिट एंड हैंग आउट ओवर देयर शो दैट वो पब्लिक वहाँ पर बैठी हुई है पूरा ग्राउंड में बैठ के वो लोग हैंग आउट कर रहे हैं तो आ जाओ लाइन में लग जाओ एंड यहाँ पर जो है ना एक फाउंटेन है बट बंद है यहाँ पे जो है ना पूरे अपने अपने सनम्स के नामा लिखते हैं शुक्रिया जो है ना पूरी यही सिखाते हमारे हैदराबाद के देखो देखो कितने ठीक है नामा अगर ग्रेविटी क्रिएटिविटी बहुत ज़बरदस्त है अपने लोगों की कहीं को बोलते ना जहाँ बोले कुछ भी कर सकते आ गए फाइनली ऊपर आ गए माशाल्लाह गिर जाता था मैं भी यू कैन सी द व्यू जो है ना आपको कंप्लीट अपोजिट व्यू है चार मीनार के पास का एंड यू कैन सी राइट साइड पे जो है ना आपको पूरा मक्का मस्जिद है माशाल्लाह एंड इसके लेफ्ट साइड में आपको जो है ना पूरा चार मीनार हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में ही जो है ना कॉलेज भी है आपको और पब्लिक देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर कितनी है सबसे ज़्यादा पब्लिक जो है ना हमारे हमेशा लाड़ बाज़ार में ही रहती है क्योंकि वो तो यहाँ पे पूरी बच्चों की शॉपिंग होते रहती है सब आगे पब्लिक है देखो लाड़ बाज़ार में तो यहाँ पे जो है ना आज टाइम सेट होने वाला है ये चार मीनार का टाइम सेट करना है बोलता ऐसा सेट करना पड़ रहा है वाहिद वॉच लिखे हुए हैं तो अब खत्म हो गया हम वहाँ वापस जा रहे हैं बहुत बड़े बड़े सीढ़ियाँ हैं थोड़ा भी अगर लेट माशाल्लाह हो गया तो इन्ना लिल्लाह ही हो जाता अपना Guys, look at this. पापा के परे तो ये लोग बोलते हैं पापा के परे राइट तो आज ज़बरदस्त मज़ा आने वाली है तो अब सबसे पहले भूख लग रही तो जाके जल्दी जल्दी अपन कुछ खाएंगे तो मैं बताता हूँ कहाँ पे क्या ज़बरदस्त मिलता है यहाँ पे चार मीनार पे कहीं बोलता हूँ अपन एक्सपीरियंस है वो चाय कहाँ की फेमस है पता है आपको तो चाय यहाँ की फेमस है निमरा कैफे एंड बेकरी तो दिस इज़ निमरा कैफे एंड बेकरी तो यहाँ की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है तो सबसे पहले अपन लंच करेंगे फिर उसके बाद तो चाय एंड ऑल सर्व करेंगे आ जाओ जल्दी लंच के लिए कहाँ पर जाना है आई विल सजेस्ट यू गाइस
तो यहाँ पर पब्लिक के बीच में से आप थोड़ा आगे बढ़ गए। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट, अगर आपको कुछ हैवी खाना है और कुछ बहुत ज़्यादा मज़ेदार खाना है तो आपको जो है ना, मैं प्रेफर करूँगा कि आपको शादाब होटल जाना चाहिए। एंड गाइस, दिस इज़ माय फेवरेट शॉप, लस्सी शॉप। यहाँ पर जो है ना, आपको काफ़ी सारे आइसक्रीम्स एंड ऑल काफ़ी सारे चीज़ें मिलते हैं, लाइक आप लोग खा सकते हैं। आई विल शो यू द मेन्यू ऑल्सो। सी गाइस, जूसेस, मॉकटेल्स एंड मेनी मोर थिंग्स, लस्सी, आइसक्रीम। चिकन 65 बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो चिकन 65 खाएंगे एंड रोटीज खाएंगे एंड साथ में जो है ना, उसको स्पेशल इसकी चटनीज भी रहते हैं। तो आई सजेस्ट यू मस्ट ट्राई दिस। चलो अपन शुरू करते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।